Well, welcome to another video. This video is on Java packages, right? What is a Java package? Let's get to understand what is a Java package. And कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम लोग अपना खुद का Java पैकेज कैसे बनाते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे. अगर फॉर्मल डेफिनेशन बोला जाए तो जावा पैकेज क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस या इंटरफेसेस. याद है क्लासेस इंटरफेसेस हमने किया है लास्ट क्लासेस में इनहेरिटेंस के टाइम. तो इंटरफेसेस याद होगा, क्लासेस भी याद होंगे. या इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, ये फिलहाल प्रीवियस वीडियो का बात है, वो तुम लोग पीछे जाके देख सकते हो. लेकिन जो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो सोचो कि एक फोल्डर है, एक फोल्डर है जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस को हम रखते हैं. सिमिलर ना भी हो तो रख सकते हैं, वो मेरा मर्जी. लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन अपनी जो बक्से बनाएंगे, जो लगेज अगर तुम करोगे, तो एक लगेज में तुम चाहोगे कि तुम्हारे पैंट शर्ट हो, दूसरे लगेज में तुम चाहोगे कि तुम्हारे सिस्टर का या ब्रदर का हो. जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स अगर एक जगह रहे तो उसको ढूंढना, उसके लेके काम करना ज्यादा आसान हो जाता है. जावा बहुत एनकरेज करता है तुम्हें सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए. तो यही है जावा पैकेज, ठीक है. तो एक्चुअली जावा पैकेज जो है वो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. ये देखो, ये तो फादर पैकेज बोल सकते हो, सबसे बड़ा पैकेज जो है जावा. उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजेस, इनबिल्ट सिस्टम पैकेजेस बोलते हैं उनको, जैसे कि AWT, स्कैनर, सॉरी AWT, लैंग. मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या सिस्टम है. लेकिन अभी फिलहाल ऐसे सोचो कि ये रहा पैकेज. पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं जैसे कलर, ग्राफिक्स, फॉन्ट, और फिर उनके अंदर छोटे 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 मेथड्स होते हैं. तो हम कैसे बोल सकते हैं, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी के अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह वगैरह है, करेक्ट. तो यही है, ये सजाना ही हम जावा कहता है कि पैकेजेस में सारे क्लासेस रख दो, क्लासेस के अंदर सारे मेथड्स रख दो. अब उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जानेंगे. तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक पैकेज है AWT जावा के पास अवेलेबल है. वहाँ बहुत सारे क्लासेस हैं जैसे कि ये कलर, ग्राफिक्स, फॉन्ट, और हर क्लास के अंदर तुम्हें बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे और जिस मेथड्स को तुम्हें इस्तेमाल करना है, करेक्ट. तो अगर हम कहें कि जावा पैकेजेस कितने तरह के हैं तो वो दो तरह के हैं. क्या क्या है, एक यूजर डिफाइंड, एक बिल्ट इन. दैट मींस बहुत सारे मेथड्स को एक तरह का क्लासेस में रख दिए और बहुत सारे सिमिलर क्लासेस को पैकेजेस में रख दिए, और ये बिल्ट इन जावा के पास है बहुत सारे. और कह रहे हैं कि सारे तो मैं नहीं तुम्हारे लिए बना सकता, अगर तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा है तो तुम एक काम करो, तुम अपने पैकेजेस भी बना सकते हो और उसे शेयर भी कर सकते हो, करेक्ट. तो शायद आज हम लोग अपना खुद का यूजर डिफाइंड पैकेजेस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उन पैकेजेस को इस्तेमाल करेंगे जो बिल्ट इन है, राइट. अच्छा, कुछ पैकेजेस जो अवेलेबल है जावा के पास, राइट. जावा के पास है पैकेज यूटिल. यूटिल के अंदर बहुत सारे टाइप के क्लासेस हैं जैसे डेट रिलेटेड, कैलेंडर, स्कैनर वगैरह वगैरह. इफ यू गो एंड सर्च फॉर दैट लिस्ट ऑन द इंटरनेट, यू कैन सी एवरी क्लास अवेलेबल इनसाइड अ पैकेज, राइट. सिमिलरली देयर इज लैंग्वेज पैकेज, देयर इज एप्लेट पैकेज. एप्लेट्स आर नॉट दीज डेज, एप्लेट्स आर नॉट सपोर्टेड बाई जावा. वॉट इज एन एप्लेट, अगर कभी वीडियो बनाऊंगा देन आई विल टेल यू. एंड देन दिस इज आईओ फॉर आईओ डिवाइसेस, आईओ रिलेटेड एवरी टास्क. दिस इज फॉर नेटवर्किंग एवरी. सो दीज आर द पैकेजेस, एंड इन पैकेजेस के पास बहुत सारे क्लासेस है, और क्लासेस के अंदर हजारों हजारों मेथड्स हैं, ठीक है. तो ये हमें पता करना पड़ता है, अगर किसी मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मेथड किस पैकेज के अंदर या किस क्लास के अंदर है. अगर वो पता चल जाएगा तो बस सब कुछ रेडीमेड है, तुम उनको इस्तेमाल करो, ओके. सॉरी. नाउ
सब कहते हैं कि ठीक है पैकेज बहुत सारा बोल दिया, पैकेज पैकेज, तो इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते, मतलब क्या है, तो इजीली सर्च हो जाता है। अगर मैंने कहा ना कि वो जो हमने बक्से बनाए हैं और उन बक्सों में भरा है सामान, तो अगर मैंने अपना क्लोथ्स अलग करके भरा है, मेरे ब्रदर या सिस्टर का अलग से भरा है, तो अगर कोई भी मुझे अगर अपना खुद का कपड़ा लेना, मैं सारे बक्से तो नहीं देखूंगा ना, मैं अपना खुद का बक्सा खोल के आराम से मैं क्या पहनना चाहता हूँ देख सकता हूँ। तो सेम सेम वे से अगर पैकेजेस में डिवाइड कर दे, सब कुछ एक जगह ना हो के छोटे छोटे अलग अलग बक्से बन जाए, तो मुझे वो चीज सर्च करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो सोचो कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक कॉमन सा टर्म है जो हम हर जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन अगर एक मेथड का नाम कैलकुलेशन दे दिया, तो दूसरे बार उस मेथड का नाम कैलकुलेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि सेम सेम टाइप का अगर हो जाएगा सेम नाम का, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोलेगा कि तुमने कैलकुलेशन बोला है लेकिन मैं किस कैलकुलेशन को बुलाऊं, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर तुम कैलकुलेशन बोल के दो मेथड्स अलग अलग पैकेजेस में रखोगे, तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब कि सारी चीजों को एक जगह करके हम उसे छुपा देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कैप्सूल जो हम लोग लेते हैं, कैप्सूल में जो बाहर का कवरिंग है ना, वो एक्चुअल में दवाई नहीं है, दवाई तो होता है अंदर में पाउडर फॉर्म में, राइट। तो वो जो कैप्सूल है बाहर का, वो क्या करता है, उसको इंटैक्ट रहता है। इसी तरह से पैकेजेस भी अंदर के अननेसेसरी चीजों को हिडन करके हमें सिर्फ बाहर से दिखाता है कि चलो ये इस्तेमाल करना है तो ऐसे करो, राइट। फिर और भी है जैसे कि कंट्रोल्ड एक्सेस में किसको प्राइवेट किसको पब्लिक, ये सब सारी चीजें, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पैकेजेस के। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग जो बिल्ट इन पैकेजेस है, जो रेडीमेड पैकेजेस है, उसको रिलेटेड एक या दो प्रोग्राम करते हैं, और देन लेट्स कंक्लूड टुडेज वीडियो। अच्छा, मैंने तुम लोग के लिए ये करके रखा हुआ है, सो मैं लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस थिंग फर्स्ट। टेल मी, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। मैंने कहा था मैं एक्लिप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे जावा प्रोग्राम्स के लिए। तुम लोग वीएस कोड एडिटर या कोई भी डॉस मोड में भी अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, राइट। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी दिस। जब भी हम लोग एक्लिप्स खोलते हैं, तो हमें एक फोल्डर तो बनाना ही पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट, ठीक है। जो एक्लिप्स कहता है कि मिनिमम आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, एंड फिर उस फोल्डर के पास तुम राइट क्लिक करके तुम न्यू पैकेज बना सकते हो, अपना खुद का पैकेज, राइट। तो ये तो बहुत आसानी से एक्लिप्स में बन जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि पुराना ट्रेडिशनल डॉस मोड पे कैसे पैकेजेस बनाता है, अगर मैं कर पाऊँ तो अगले वीडियो में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, करेक्ट। नाउ लेट मी से दस, तो हमने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम मैंने कुछ भी रखा, जैसे कि प्रेम, और उसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर मैंने क्लासेस बनाए, जैसे कि पहला क्लास है स्कैन क्लास, राइट। अब इस स्कैन क्लास में मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो यूजर यूजर डिफाइन सॉरी बिल्ट इन पैकेजेस हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट चाहता तो प्रोजेक्ट के अंदर क्लास बना लेता, लेकिन फिर भी मैंने सारे प्रोग्राम्स, मेरे सारे प्रोग्राम्स इकट्ठा रखने के लिए मैंने एक पैकेज बनाया उसके अंदर, ठीक है। कैसे पैकेज बनाते, फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, तो न्यू न्यू के बाद वहां पे एक पैकेज बोल के वो पैकेज बना लोगे, एंड देन पैकेज बनाने के बाद उस पैकेज के ऊपर क्लिक करोगे। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन फिर से न्यू मैं बोलूंगा, अब मैं अगर बोलूंगा क्लास, तो मुझे क्लास बनाने को दिया जाएगा। उसी तरह से मैंने ये स्कैन क्लास बनाया, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। देखो हम लोग एक यूटिल एक पैकेज है, मैंने कहा था यूटिल एक पैकेज है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे सी में हम लोग हैश इंक्लूड करते थे, उसी तरह से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इसका मतलब यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन्हें इंपोर्ट किया जाए। वह बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम स्कैन है, इसके अंदर मेन है, इसीलिए मैंने इसको सेव भी किया स्कैन डॉट जावा से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये बार बार हमने किया हुआ है। अब स्कैनर क्लास से होता क्या है, स्कैनर क्लास तुम्हें क्या मदद करता है कि तुम्हें
बाहर से इनपुट लेने में मदद करता है। लेकिन सारे इनपुट्स किस तरह के होते हैं? स्ट्रिंग टाइप के। तो उसे किसे कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा, मैं सोचू कि मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो मैंने स्कैनर क्लास लिया और देखो ये क्लास जो है वो किस पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है, राइट। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम इस तरह से हमने पहले भी बनाया हुआ था। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, याद है अगर कोई मेथड इस्तेमाल, तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हो? नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का काम क्या है? एक स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना। वो स्ट्रिंग कहाँ से आएगा? जो तुम इनपुट दोगे। तो जो इनपुट दोगे वो तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहेगा, उसे कन्वर्ट करके इंटीजर में बदलेगा। कौन सा मेथड? नेक्स्ट इंट। लेकिन इस मेथड को खुला नहीं तुम इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ नेक्स्ट इंट, बिना डॉट के ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो बोल रहा है अगर कोई मेथड इस्तेमाल करना है, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का बनता है। क्लास कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? पैकेज के अंदर रहता है, राइट। सो ये देखो यूटिल क्लास, यूटिल पैकेज, पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके जितने भी मेथड्स है, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट बोल्ट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, इस तरह से बहुत सारे। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट आउट किया कि यू हैव एंटर्ड समथिंग, जो भी तुम एंटर करोगे। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये रन हो गया और यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट जैसे कि मैं 6 दे रहा हूँ एंड मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो वो बोल रहा है यू हैव एंटर्ड 6। मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ और इस बार मैंने 6 के जगह 12 दिया है एंड देन मैं एंटर कर रहा हूँ और वो मुझे बता रहा है यू हैव एंटर्ड 12, राइट। तो ये एक प्रोग्राम था। चलो अच्छा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसे मैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम इस पैकेज का, यूटिल पैकेज का पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही क्लास इस्तेमाल करने वाले हो, तो बाकी सबको लाके तो फायदा नहीं है ना, इतने सारे क्लासेस लाके मुझे क्या हो, क्या मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या करें, सिर्फ स्कैनर क्लास लिख रहे हैं, डॉट स्टार नहीं दे रहे हैं। इस बार भी रन करके देखते हैं। देखो इसे सेव करना पड़ता है रन करने से पहले, एंड देन लेट मी गिव यू एन इनपुट, सपोज आई एम गिविंग 9 एंड देन इट्स स्टिल वर्किंग। और अगर तुम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा यहाँ पे, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, दैट इज फुल पाथ हम अगर देंगे यहाँ पे तो भी ये काम करेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू वर्क। लेट्स सी, पहले सेव करते हैं फिर रन करके देखते हैं। लेट मी गिव सम इनपुट 5 अगेन, नाउ यू हैव एंटर्ड 5, ओके। सो डिड यू सी दैट यू कैन यूज योर एनी क्लासेस थ्री तरीके से, एक स्टार, एक पर्टिकुलर क्लास का नाम बता दो या फिर फुल पाथ बताओ। इस तरह से मैंने एक और प्रोग्राम लिखा है, जल्दी से देख लेते हैं वो क्या है इस बार। अच्छा एक प्रोग्राम लिखा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर होता है, जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो 5 इज एन इंटीजर ना, लेकिन अगर मैं बोलू 10 का स्क्वायर रूट होगा 3 point something, तो वो फ्लोट में है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जल्दी से करते हैं, हम लोग इस बार क्या किया, यूटिल पैकेज इसके इस्तेमाल किया क्योंकि मैं यूजर से एक इनपुट लेना चाहता हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स रन विद दिस थिंग। मैंने एक क्लास बनाया परफेक्ट स्क्वायर बोल के एंड देन मैंने मेन फंक्शन बनाया, स्कैनर क्लास इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इस तरह से लिया है। एंड देन व्हाट हैव आई डन, आई हैव टेकन एनी नंबर, नेक्स्ट डबल लिया है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, ये स्क्वायर रूट फंक्शन, ये क्या इनपुट जो मैंने आर्ग्यूमेंट जो है वो डबल लेता है, इसलिए मैंने एक नंबर लिया n, जिसे मैंने डबल में लिया हुआ है। एंड देन देखो मैं स्क्वायर रूट मेथड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, हाँ, उसके लिए मैं हैश इंक्लूड, सॉरी इम्पोर्ट मैथ क्लास कर सकता था, जावा डॉट लैंग डॉट स्टार बोलने से सारे आ जाते ना, लेकिन मैं लैंग्वेज पैकेज के अंदर मैथ क्लास, देखो ये फुल पाथ, देखो मैं लॉन्ग वे से जा रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर पाता लेकिन मैं लॉन्ग वे से बता रहा हूँ, जावा द फादर पैकेज, देन लैंग्वेज, लैंग्वेज एक पैकेज है, फिर उसके अंदर मैथ एक क्लास है, कैसे समझ में आया, एम कैपिटल है, उसके अंदर एक मेथड है स्क्वायर रूट, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है, उसको मैंने क्या किया इंटीजर, देखो वो जो आंसर रिटर्न करता है ना वो भी फ्लोट में होता है, लेकिन मैं उसे इंटीजर में बदलता हूँ,
वाई में जो आएगा वो इंटीजर होगा, तो अगर मैं 25 दूंगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, है ना। सो 5 इंटू 5 करके अगर n, देखो n में क्या है 25, 5 इंटू 5 करके अगर 25 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 का स्क्वायर रूट होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो उसको जब मैं इंटीजर में बदलूंगा तो वो 3 बन जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 3 करने से तो 9 आता है, 10 तो नहीं हुआ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो यही है एक छोटा सा प्रोग्राम, और मैं जो बताना चाह रहा था वो है ये, देखो अगर हम यूजर बिल्ट इन पैकेजेस के अंदर क्लासेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे, लेकिन फॉर्चुनेटली लैंग्वेज जो पैकेज है वो तुम्हें कभी मेंशन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमेशा चला आता है जावा में, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो तुम्हारा इस प्रोग्राम बिल्डअप में बहुत सारे फंक्शंस में बहुत सारे मेथड्स लैंग्वेज में ही रहते हैं, तो इसीलिए इसे इंपोर्ट करना नहीं करना एक ही बात है, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता ही है। तो जल्दी से इसे रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मुझे नंबर मांगा गया है कि एंटर एनी नंबर, मैं यहाँ 25 दे रहा हूँ। देखो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं वापस इसको रन करके देखता हूँ और इस बार 10 देके देखता हूँ, 10 सो बोल रहा है 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So I hope you did understand what is a package and how we use built-in packages. In our next video, I'll make a video on how to create your own package. Thank you. Oh,